पिपारी थाना क्षेत्र के कुआमा मिडिल स्कूल चौक पर गत 15 जून को वाहन चेकिंग के दौरान अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग एवं बमबारी के मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए गुरुवार को फरार अपराधी रितेश कुमार सिंह और छोटन सिंह के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। कोर्ट से निर्गत वारंट के आलोक में प्रखंड सांख्यिकी सह दंड अधिकारी रूपलाल मंडल की उपस्थिति तथा SDPO राकेश कुमार के नेतृत्व में जिले के सभी थाने की पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। इस दौरान विधि व्यवस्था संधारण को लेकर कुआमा गांव पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था, जहां सभी थाने के अधिकारी सहित SDPO राकेश कुमार मौजूद थे। पुलिस ने फरार अपराधी के घर कड़ी मशक्कत के बाद ताला तोड़कर सभी सामान को जब्त कर थाने ले आई। इस दौरान करीब पुलिस ने 5 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की, जबकि घर के सभी सदस्य फरार बताए जा रहे हैं। एक पुलिस जो रूटीन वे में एक संदिग्ध गाड़ी को चेक करने लगी, इसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसको चेक किया जा रहा था। चेक करने के दौरान जो गाड़ी पर सवार अपराधकर्मियों द्वारा पुलिस पर फायर किया जाने लगा और उनके द्वारा आम लोगों में दहशत पैदा करने के लिए बम विस्फोट किया गया। तत्काल पुलिस बल जो है यहाँ पर जो भी थाना अध्यक्ष पिपराही स्वयं उसमें गश्ती में थे और गाड़ी को चेक कर रहे थे, तो फिर हम ये पोजीशन लिए अपना और अपने आप को बचाते हुए उन लोगों पर जवाबी उन लोगों पर कार्रवाई करने का प्रयास किए। इसी बीच अपराधी जो है बम विस्फोट करते हुए पुलिस की गाड़ी को लेकर यहाँ से भाग निकले। अविलंब इसकी सूचना थाना अध्यक्ष द्वारा हम लोगों को दी गई और बगल के सभी आसपास के थानों को अलर्ट करते हुए हम लोग इसका पीछा करना शुरू किए। जो गाड़ी के भागने का जो लोकेशन आ रहा था उस आधार पर इनको पीछा किया गया और इनको महिंद्वारा OP अंतर्गत ये लोग गाड़ी छोड़कर भागने में सफल हुए। इन अपराधकर्मियों की पहचान कर ली गई है, हम लोग अपने थाने में पिपराही थाने में प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं और जो भी साक्ष्य आया है उसके आधार पर इन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कौन लोग हैं सर, कोई बड़ा नाम है इसमें? इसमें हम लोग चिन्हित किए हैं अभी, चूँकि अभी इस स्टेज में बताना उचित नहीं होगा। हम लोग छापामारी कर रहे हैं, जब अपराधी पकड़े जाएंगे आप लोगों के सामने सब कुछ पूरे डिटेल के साथ।